अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान डिफेंसर आल्सोस में खुश आमदीद। और इस वीडियो में हम पाकिस्तान की जांबाज कुव्वत के बारे में बताएंगे, जिसका मुजाहरा उन्होंने आज सुबह किया जब उन्होंने दो इंडियन तैयारों को मार गिराया है। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें से टेक्निकल साइड जो है वो कुछ हद तक अनकन्फर्म्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो DGISPR की जानब से सुबह के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने अपनी टेरिटरी में रहते हुए इंडिया को रिस्पॉन्स करने के लिए 6 टारगेट्स को लॉकडाउन किया, और किसी किस्म का मिलिट्री अटैक जिसमें जानों का ज़ाया ना हो पाकिस्तान ने वहाँ के ओपन एरिया में फायर की और वापस आने लगे। लेकिन इनका पीछा करते हुए दो जेट्स ने फिर एयर वायोलेशन की, और इस बार पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 या F-7 या मिराज ने उनको शॉट डाउन किया। चूँकि इंडिया का क्लेम ये है कि F-16 को भी शॉट डाउन किया गया है, तो DGISPR ने वाजे किया है कि इसमें किसी F-16 का इस्तेमाल नहीं हुआ। बज़ाहिर उसके अलावा इंडिया की जानब से कोई एविडेंस भी अभी तक सामने नहीं आया है, और उनके ऑफिशियल डिफेंस स्टेट ने भी किसी किस्म की कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी है। इस वाक़े के बाद तमाम एयर स्पेस को क्लोज कर दिया गया है। इसके अलावा एक और शॉट डाउन की न्यूज़ है, जो या तो MH-17 हेलीकॉप्टर की है या कोई फाइटर जेट जो टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से डाउन हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने इनके पायलट्स को गिरफ्तार किया है, मतलब उन्होंने हमारे लाइन की वॉयलेशन की थी तभी हम उनको गिरफ्तार कर पाए। दुआ ऐसा ऊपर लगा जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद ST-10 BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। F-7 के साथ तो ये मिसाइल शायद अटैच हो सकता है क्योंकि ये चाइनीज है, लेकिन मिराज के साथ चूँकि वो फ्रेंच है इसके अटैच होने की कंफर्मेशन मुश्किल है। अभी ये कंफर्म करना भी मुश्किल है कि इंडियन साइड के जहाज जो थे वो कौन से थे, क्या दोनों जो थे सेम कैटेगरी के थे या डिफरेंट थे। कुछ सोर्सेज से जो है वो MiG-21 और जैगुआर की कंफर्मेशन आ रही है, और कुछ साइड से जो है वो SU-30 MKI की न्यूज़ सामने आ रही है। लेकिन SU-30 MKI और जैगुआर जो है वो एयर सुपीरियरिटी फाइटर हैं, और इसका GF-17 या F-7 के साथ जो क्लैश हुआ है वो एक मज़ेदार डिस्कशन है। और फ्यूचर में जाके हम GF-17 के एंगेजमेंट एनालिसिस भी इन दोनों जेट्स के साथ करेंगे, और इस पर फर्दर टेक्निकल डिटेल्स पर बात भी करेंगे। खैर, एक इंजर्ड फौजी को CMS में ट्रीटमेंट दी जा रही है। जो रैकेज है और जो एविडेंस है और जो प्रिजनर्स हैं उनको फौरन ही शो कर दिया गया है। तो ये इंडियन साइड को देखना चाहिए कि हमने कितनी जल्दी अपने पॉइंट को प्रूव कर लिया है फौरन ही एविडेंस को शो करके। अपेरेंटली अभी NCA यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास जारी है, और होपफुली इमरान खान भी इसके बाद खिताब देंगे। अगेन मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, और मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान ने इन जेट्स को मार गिराया है, लेकिन जो पायलट्स हैं वो सिर्फ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आप सबको याद रखना चाहिए कि इस तमाम कियोस का जिम्मेदार सिर्फ एक वॉर मॉन्गरिंग शख्स है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।